अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे और व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे और आज सुबह सुबह एक नई वीडियो बनाने के लिए हम फार्म पे आए हैं, तो जानवरों के साथ मुलाकात करेंगे। सुबह का वक्त है, डक्स बाहर एंजॉय कर रही हैं पानी में, और ये सबसे बड़ी बात, ये देखें दरिया बना हुआ है यहाँ पर जो है, ये है नहर का पानी, इसको खाला बोलते हैं। गाँव में खाले कच्चे होते हैं, वैसे ये भी कच्चा था कभी, अब ये पक्का खाला है। और सब खालों में से जो ज़मीनों का पानी, उसकी एक टाइमिंग होती है, तो हम आज पानी लगा रहे थे अपने बाग को और बतखें उस पर इंजॉय कर रही हैं, कछुआ भी इंजॉय कर रहा है। आपको मिलवाते हैं और कुछ दोस्त भी आए हुए, तो साथ में आज यासिर भाई भी आए हुए, कुछ दोस्त भी यहाँ आए हुए, तो चलते हैं साथ विज़िट करते हैं। कुछ मेहमान हैं, उनको भी साथ लेते हैं व्लॉग में, आप लोगों को बाकी दोस्तों से भी मिलवाते हैं जो यहाँ पे व्लॉग्स देखने के लिए आए हैं। मैं फ्रंट यार, उमर तू हर दफा मैगी से क्यों शुरू करता है यार व्लॉग? पता नहीं क्यों यार, जुनैद भाई की याद आ जाती है। मुझे लगता है कि उमर सफाई नहीं हुई क्योंकि स्टाफ छुट्टी पे है भाई, फिर सफाई। माशाल्लाह जानवर खूबसूरत हो गए हैं। ये जी हैं यासिर भाई, यासिर भाई भी अभी आज माशाल्लाह, ये लेंथ में कम है लेकिन हाइट में अच्छी है। सब जानवरों के अल्लाह पाक ने कुदरत को एक अलहदा ही रंग है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, अभी टैबी ऊंचा है, वाइट टाइगर मोटा है, तो ये तो अब अल्लाह पाक की बनाई हुई तमाम चीजें हैं, उसमें क्या कह सकते हैं। आपने इसका नहीं बताया, लारा नहीं कर रही, ये बताने वाली बात नहीं है, लारा तो कुछ नहीं कर रही। लेकिन ये क्या दे दिया उसे आपने? यार लारा कुछ नहीं कर रही, ये टैबी कर रहा है। टैबी कर रहा है, हाँ। तो बताने वाली बात ये है कि जब जानवर मूड पे होते हैं तो ये अग्रेसिव हो जाता है इनका मेल, यानी कि वो इस टाइम जो है अपनी फीमेल के पास किसी को जाने नहीं देता। अच्छा। वो कहता है कि मैं ही इसके पास हूँ और कोई इसके पास ना है, अंश की, और जिसको कहते हैं फील करना, तो वो उसके पास जाने नहीं देगा। भाई आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी ये बिल्कुल फैसल भाई ठीक कह रहे हैं, जब मेल साथ हो तो फीमेल को नहीं छेड़ना चाहिए। नहीं छेड़ना चाहिए। चलें फिर ऐसा करते हैं, छेड़ते नहीं, आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है फैसल भाई, आगे क्या दिखा रहे हैं आगे? इधर यार कछुआ था अभी बैठा हुआ। कछुआ चले गया? कछुआ किधर गया? कछुआ कहीं घूमने चले गया। कछुआ घूमने गया? हाँ, कहाँ पे? कछुआ कहीं घूमने चले गया, आज हम आगे दिखाते हैं लोगों को। तो ये हमारे दोस्त हैं सिकंदर भट्ट साहब, और आपने कोट देख के बिल्कुल नहीं डरना। आज ना प्यारे प्यारे से जो है ना हमारे भाई सब आए हुए हैं, तो भट्ट साहब ने जो है ना आज अंदर जाना है लारा के साथ ना मुलाकात करने। अच्छा, तो हम भी साथ ही चले? साथ ही चलते हैं, देखते हैं पहले वो जो टैबी है ना उसको कहीं अंदर सिक्योर कर लें कि ऐसे चले जाएं। टैबी सिक्योर हो चुका है? टैबी सिक्योर हो चुका है, टैबी सिक्योर हो चुका है, फोरी फोरी। चले फिर ऐसा करते हैं, अंदर चलते हैं। अच्छा आप डरेंगे तो नहीं? नहीं नहीं डरना क्यों, आ रहे हैं भट्ट साहब, आपकी वीडियो हम इंटरनेशनल चलाएंगे। आपने नेशनल चलानी है, हम इंटरनेशनल पे आ गए। आए उमर भाई अंदर आए। जी आज मुलाकात होने लगी है फिर भट्ट साहब की। सिकंदर भाई आपसे डर रही है लगता है? हाँ जी, सभी तकरीबन ना काले कोट से डरते हैं, मुझे लग रहा है आपसे भी डर रही है। नहीं नहीं लारा, ये था कि सिर्फ इंसान ही डरते हैं। नहीं 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 नहीं, सब डरते हैं, सब डरते हैं, सब डरते हैं, डरना भी चाहिए। सिकंदर भाई जो हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और वेरी नाइस मैन, और लारा मैं नहीं चाह रहा, सिकंदर भाई प्यार करेंगे। मैं करता हूँ, ये लगा रहे हैं। लारा 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 कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा किधर जा रहा है, किधर जा रहा है लारा, किधर जा रहे है लारा? ओके यार, माशाल्लाह से फैसल भाई पहला वेलकम है। नहीं मैं बताऊं ना, मजे की बात बताऊं, तो आज से ना 2 साल पहले 2.5 साल पहले लारा ही थी। तब जब किसी जानवर के पास कोई नहीं जाता था, भट्ट साहब बहुत दलेर बंदे हैं। अच्छा। और जानवरों से जब सब घबराते थे ना, हाँ कोई इनको ना कपड़ों का ना किसी चीज़ का, ये जानवरों से रियली बहुत मोहब्बत करते हैं डरे बगैर। इनको मैंने कट लगे भी देखे हैं जानवरों के,
यहीं पे इन्हीं जगह पे इन्होंने लारा ली थी, इसके पास कोई भी नहीं जाता था, तो पहले मैं ही गया था इनमें। ये जो पहली अच्छी मुलाकात थी, ये गर्दन और कमर पंजे और ये लगवा के, इसके अलावा भी हमारे पास एक और फीमेल थी वहाँ पे भी व्हाट्सअप गए और उसने पकड़ा अच्छे से कपड़े शर्ट्स, तब बड़ी प्यारी शर्ट पहन के आए थे शेर वाली, वो मुझे याद है, और वो सारी जो है ना वो बिल्कुल खराब हो गई। खैर उसने कहा कुछ नहीं, बस वो पकड़ते दकड़ते वो जो है कपड़े खराब हुए, थोड़ा सा और खेलती है इसके साथ लारा के साथ आ जाए। नहीं वो मूडी है, वो मूडी है, वो तुझे पता है कि देखती है, मेरे ख्याल से वो महसूस किया कि शायद भाई आए हैं। वो यादगार उन्होंने ताज़ा किया। तो हम चलते हैं, चलें। फैजी भाई आप किधर थे? इधर ही था यार फैसल। यार सब आपको ढूंढ रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं कैमरे में, आपको देखना चाहते हैं यार। दिनेश भाई को यार वो आपको पता था दिल का मसला हो गया। यार फैजी बेस्ट फ्रेंड तेरा गुम है यार, इसी चीज ने करवाई है। जुनैद भाई की हालत काफी सही है, खराब नहीं है। नहीं वो जो दो वॉल बता रहे थे स्ट्रेस में, हाँ वो कहते खिंचाव आया है, खिंचाव आया है, तो ये खिंचाव लादा चीज, इसमें स्टंट तो नहीं डलते ना? नहीं नहीं नहीं, यानी कि वो सिर्फ खिंचाव है। चलें सब दोस्त जो हैं जुनैद भाई की सेहतयाबी के लिए दुआ करें कि वो जल्द ठीक हो के फार्म पे आए और जो मामला उन्होंने यहाँ पे तय किए हुए लोगों के साथ और वो हल हो जाए। वो जैसे कि क्या मामला? जैसे कि डेली 2-3 लोग आ रहे हैं एक गाड़ी पे ना, तो वो उनका आके पूछते हैं कि हम उनको लेने आए हैं, तो वो इधर नहीं आ रहे। जी भाई क्या प्रोग्राम है, स्टाफ भी गुम है आज, क्या मामला था? मैं तो 2 दिन नहीं था वैसे इधर, ये स्टाफ किधर गुम किया हुआ है? यार बस वो ना शादी पे गए हुए लड़के, फैमिली जिनकी शादी थी वो सब गए हुए हैं, तो स्टाफ यहाँ पे। मैं देखने वालों को एक मज़े की बात बताऊं, फैजी जो है ना अपने स्टाफ को लेके, साथ चलने वालों को लेके बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक इनको और हिम्मत दे मोहब्बत करने की, लोगों से, जानवरों से, लड़कियों को छोड़ के सबसे। तो इसके कान ये देखो, ये अब यहाँ पे स्टाफ मौजूद नहीं है, इसके कान पे सुराख है और अच्छा ऐसा सुराख है, अब इसको देखना पड़ेगा। ये मुझे लगता है कि बिल्लू ने मारा, ऐसे बिल्लू का निशान भी काफी हद तक ठीक हो गया। ये देखना, ये तो अच्छा ऐसा सुराख पड़ गया भाई, ये किधर है? तो फैजी भाई फिर ये देखो, ये ब्लड आया सारा, इसने कान अपना झटका ना भाई, इसका क्या इलाज होगा? अब इसका ट्रीटमेंट यार, इलाज इसके ये 2-3 दिन में इसके काफी ये गहरे सुराख हो जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन में ही सही हो जाते हैं ये, क्योंकि ये कीड़ा पड़ जाता है, इनके मक्खी बैठती है ना, मक्खी इनके फौरन सुराख बना देती है। कोई भी हल्का सा स्क्रैच भी आएगा ना उस पर मक्खी बैठेगी ना, वो पूरा सुराख बना देगी, जख्म ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे फिर वो एक वो मेडिसिन है वो हम डालते हैं, वो 2-3 दिन में ये भर जाता है। इनके जख्म जो है ना शेरों के बड़ी जल्दी हील होते हैं, मतलब इनका इम्यून जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, गोश्त ही तो खाते है ना ये इंसानों से। अगर यार ये गोश्त खाते हैं तो इनको जख्म क्यों इतनी जल्दी हो जाते हैं भाई? नहीं गोश्त, अब जरूरी नहीं कि गोश्त खाने से जख्म ना हो, जख्म एक डिफरेंट चीज है, खाना है खुराक यार, ये तो शेर है, इसको तो छोटा मोटा जख्म खराब ही नहीं होना चाहिए यार। ये मक्खी बैठती है, बड़ी जालिम है ये, कॉमन मक्खी जो उड़ती है, हाँ ये मक्खी जो आम होती है ना, ओके ओके ओके, बैठती है तो ये। तो अब इसका ट्रीटमेंट, बड़ी खतरनाक बीमारियां आपको फैलाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, स्प्रेड करने की सबसे बड़ी। उमर ध्यान से कुछ खाएंगे यहाँ पे, इसी जख्म पे बैठी मक्खी तेरी खाने वाली चीज पे ना बैठ जाए। आजा चले, याद करेंगे भाई। हाँ चलो चलो फिर मैं आ रहा हूँ। ओके क्या हो रहा भाई? यार उमर बच्चे जो है ना कुछ चेंज हुई हुई लग रही है भाई, ये कितना एंजॉय कर रही है उमर, ये तो मुझे कुछ चेंज लग रहा है। देखना ये बतखा वाइट थे हमारे बतखे तो, हाँ 2, 4, 6, 7 हो गए ना, आ रही है 7 से देखें, हाँ तो पानी एंजॉय कर रहे हैं ना यार। मैं पानी में जा सकता हूं, इतनी ठंड में किस तरह एंजॉय कर लेते उमर? मैं पानी में जा सकता हूं उमर, पहले ये बताइए इतनी ठंड में एंजॉय कैसे कर लेते उमर? बहुत मजे का पानी है उमर, तू आ रहे भाई? मेरे बूट भीग जाएंगे फिर मेरे पास उमर, ऊपर से आ, मैं ऊपर से आता हूं उमर। बड़ा मजे का पानी है, मैं इनको अगले बाग में बेचता हूँ। ले जी फैसल भाई बतखों को आगे लेकर जा रहे हैं, फैसल भाई इनको आगे करें। उमर उधर ही रही उमर, ये जाएंगी, ये देखिए 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 उमर तरह से, उमर तरह से बीग चुके हैं उमर। जल
चलें। उमर ये देख, ले जाएं। उमर मैंने सबको पकड़ लिया। ये आगे क्यों नहीं जा रहे, डर रहे हैं? उमर मैंने पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? गैंग पूरा। वो देख मैं यही चाह रहा था। ये देख उमर, जुनेद भाई होते ना, इनको कब का पहुंचा दिया ना उन्होंने। ये देख उमर, उधर पानी ज्यादा है। देख ले, जुनेद भाई का नाम सुन के चले गई हैं। ले भी उमर, ये मजा करेंगी, इधर इधर पानी ज्यादा है। ये तो भाई बहुत एंजॉय कर रही हैं। उमर इनको ना मेरे ख्याल से 2 दिन बाद निकाला है। अच्छा, उमर तुम भी नहीं आए 2 दिन? हाँ मैं भी नहीं आया, क्योंकि मुझे भी बुखार और स्मोक की वजह से गला खराब था। उमर ये देख यहाँ पे सही एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजे का एंजॉय। उमर कछुआ किधर है भाई? कछुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। चला यार उमर कछुआ ढूंढे, इस वक्त उमर कछुआ ढूंढे। चले आए कछुआ ढूंढते हैं फिर। उमर प्लांट्स भी है, कछुआ मिल नहीं रहा। उमर प्लांट्स भी हैप्पी हो गए, कछुआ किधर चला गया? असल में ना कछुए का इस मौसम में जो टॉर्टोइस है ना, वो सर्दी के मौसम में सो जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो जानते हैं लोग। अच्छा। के सांप, ये लिजर्ड, स्नेक्स, अग्वानास, टॉर्टोइस, ये कोल्ड ब्लडेड हैं। ये सर्दियों में चले जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो टॉर्टोइस अपना, आज धूप तो तेज थी, दिन के टाइम तो टेम्परेचर पर अच्छा जा रहा है, तो दिन के टाइम अभी तो वो एक्टिव है, तो ये सोने के मूड में कुछ जगह ना ढूंढ रहा हो, तो हम इसको बहुत जल्द जो अंडरग्राउंड कर देंगे। उमर ढूंढ भाई इधर ही। यार उमर ये निंजा टर्टल तो घूम गया है, इसको ढूंढना पड़ेगा। अभी तो मैंने, अभी तो पीछे से आया है भाई, इसको आवाज दें आगे। मिस्टर टर्टल, वैसे टॉर्टोइस है। टर्टल नहीं यार, टर्टल नहीं है ये, टॉर्टोइस है। टॉर्टोइस है, टॉर्टोइस है। और भाई मिस्टर टॉर्टोइस घूम रहे हैं आप, आप लोग में क्यों नहीं आ रहे? आप यहाँ सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं? लारा से मिलने गए थे, एंजॉय किया। लारा आज अपने मूड में थी। मूड में थी? अच्छा, वो अपनी मुंह नहीं लगा रही, वो वॉक कर रही है, वो किसी और मूड में है। अच्छा। आओ उमर, उमर भाई टॉर्टोइस किधर गया भाई? सारा कुछ छोड़े मिस्टर टॉर्टोइस, अभी भी स्टिल ये बहुत एंजॉय कर रही है। अच्छा, ये सारी सर्दी ना आएंगी। अच्छा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही हो, वो देखो भाई, भाई जीबू गुस्सा कर गया। नहीं यार, नहीं ये नहीं, मजेदार नहीं है। नहीं नहीं, ये जीबू बहुत अच्छा बच्चा है। ये सारे उधर देख रहे हैं। हाँ, वो देख रहे हैं कि ये इतना एंजॉय कर रहे हैं और हम अंदर, और हम अंदर हैं। यार अगर इनको बाइट छोड़ा जाए तो एंजॉय कौन करेगा? वो देख, वो उनको देख के पर खा रही है। एंजॉय यही करेंगे क्योंकि ये खाने लग पड़ेंगे उन्हें। हाँ, कैमरा लगाने के लिए आए हैं। हाँ जी, कैमरा के विजिट करने आए हम। अच्छा, विजिट करने के लिए आए हैं, तो कितने कैमरे देखिए सेटिंग यहाँ पे? तकरीबन माशाल्लाह काफी बड़ा, मेरा ख्याल है 36 से 40 के करीब जो है ना वो कैमरे लग रहे हैं। ओके, काफी बड़ा माशाल्लाह। तो अब इसको कवर ऐसे करना है कि सब केज नजर आए। हाँ जी, तो देखने वालों के लिए ये एक नई चीज हम इधर लगवाने जा रहे हैं, फार्म को ह्यूमन फ्री करने के लिए, कि यहाँ पे चौकीदार की जरूरत ना हो, जुनेद भाई की जरूरत ना हो, जुनेद भाई की जरूरत या किसी की भी जरूरत ना हो। लगा लो, जुनेद भाई की या किसी की भी जरूरत ना हो। तो यहाँ पे हमने कैमरा लगवाने के लिए टीम को बुलाया है, वो यहाँ पे एस्टिमेशन ले रही है कि सारी की सारी जगह कवर हो जाए। सही हो गया। तो हाँ, और इनके 2-3 साइड पे विजिट कर रहे हैं कि 5-6 लोग हैं वो विजिट कर रहे हैं, ये उनके हेड हैं, तो विजिट कर रहे हैं कहाँ कहाँ पे। आपने क्या अंदाजा लगाया कि 36 से 40 कैमरे से भी ज्यादा हो सकते हैं? नहीं, इससे ज्यादा मेन बाउंड्री और जो अभी मतलब बाउंड्रीज वगैरह कवर हुई है, 50-60 कैमरे हो जाएंगे तकरीबन। टोटल जो है 60 से 70 कैमरा, जितना बड़ा सेटअप है ना माशाल्लाह, तो 60 से 70 कैमरा जो है इसको सारा कवर करने के लिए 60 से 70 कैमरा चाहिए। ठीक है, आप ये बताएं कि अब हमारे सब्सक्राइबर को क्या डिस्काउंट देंगे अगर वो हमारा नाम लेके आपके पास आएंगे? अगर आपका नाम लेके आपकी वीडियो वहाँ पे दिखा देते हैं, या आपका वो दिखा देते हैं ना, हमारी मेन ब्रांच है सीसीटीवी वर्ल्ड मार रोड पे, अगर आते हैं तो इंशाल्लाह उनको 10% जो है ना वो आम कस्टमर। अच्छा, उनको तो 10% देंगे, हमारा डिस्काउंट कितना है? आपका तो स्पेशल है ना, आप डायरेक्ट ऑनर। अगर अगर आपने जो है ये वीडियो हमारे चैनल पे चलानी है तो आपको जो है हमें 50% डिस्काउंट देना होगा। नहीं, 50 तो नहीं, जुड़ नहीं पकड़ूंगा आपके चैनल पे, लेकिन जितना दे सके जो हमारे मालिक ओनर है ना, तो जितना दे सके। मैं हसन भाई से इस बारे में बात करूंगा, क्योंकि अभी लगाते हुए भी वीडियो बननी है, अभी तो लगाते हुए वीडियो बननी है उमर, लगाते हुए बननी है। ये
अभी तो मैं किसी जलाल संज और इनका नाम नहीं लेता खाने पीने के मामले में, कुछ देंगे तो हम बोल देंगे कि भाई यासिर असी इन्नी मेहनत क्यों कर रहे, गला खराब हो जाता, चल यार आ जा। तो फार्म पे जो है कैमरे लगवाने की मेन रीज़न है कि ब्रीड आ रही है, जानवर जो है हम बास कमरों में, हमारा ऑलरेडी एक सीसीटीवी चल रहा है जिसका ना काफ़ी मसले आ रहे हैं, तो हम अपग्रेड करना चाह रहे थे, उसको लगे 2 साल हो गए हैं। फार्म पे ऑलरेडी 17-18 कैमरे लगे हुए थे जो पुराने लगे हुए हैं। सिस्टम को अपग्रेड करने का मकसद ये है कि तमाम ब्रीड जहाँ पे मादी बच्चे देती है वहाँ पे उसका तमाम मूवमेंट हम उसको रिकॉर्ड कर सकें कि बच्चों को फीड करवा रही है, क्या उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अंदर कोई मसला तो नहीं है, और जंगलों के अंदर लगाने का जैसे ये ज़ख्म आया तो हम उसको फौरी ट्रैक कर सकें कि ज़ख्म कैसे आया, इसकी वजह भी मालूम कर सकें, हाँ कि मेल ने मारा था कि टक्कर हुई कोई चीज़ लगी, तो ये तो नज़र आ रहा है कि कोई थोड़ी सी कुछ स्क्रैच आया उसमें दे दिए। भाई ये क्यों कान से देख रहा है, ये उधर सामने देख रहा है, टाइगर को नोटिस कर रहा है, तो उमर मिस्टर टॉर्टोइस अभी तक मिसिंग है, हम टॉर्टोइस को देखें, ये देखो ना इसके भी कान पे जख्म हुआ था, वो शायद सबको याद हो, ये तकरीबन क्लियर हो गया है, लेकिन इस की जो कान में है ना कट आ गया है, तो ये फाइट के बाद आया था, इसमें कट आ गया है, इसको मेल नहीं मारा था, तो ऐसे मसले आते रहते हैं इनमें। मेन चीज़ होता है कि टाइम से उसको डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट करना कि जानवर जो है ज़्यादा ख़राब ना हो या उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। शेर एक सख्त जान चीज़ तो है लेकिन उसको ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है कि जो भी जानवर हमने पाले हैं हम उनका ख्याल रखें। तो स्टिल बात उधर ही आ गई, वो देखो डियाना तुझे देख रही, उमर डियाना का और मेरा पुराना टैबी। उमर ये ना मेरे हाल से जाना चाह रहा है अंदर, इसको चार किधर जाना चाह रहा है भाई, बता चार पेपर ले यार। उमर मैं तो थक गया, क्यों थक गया आपको, टॉर्टोइस नहीं मिला यार, टॉर्टोइस किधर गया भाई, टॉर्टोइस तो मिला नहीं आपको, चार्जिंग पे लगाए आप थक गए, मैं चार्जिंग पे, वाह मेरा चार्जर तो उठा दे यार, चार्जिंग पे क्या लगाना है, शरारती ड्राइंग रूम में चलेंगे, तेरा भला हो जाए, बैठ जा इधर एक मिनट पॉज करना, बस 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 अभी टैबी लगता है आपसे नाराज है, नहीं मैं कल मिला नहीं, 2 दिन मैं आया ही नहीं, तो वो इसलिए नाराज हो गया, मैं तू भी नहीं आया, मैं भी नहीं आया, मैं तो बुखार की वजह से नहीं आया, स्मोक बहुत ज्यादा है, लोगों को यही कहूंगा एहतियात करें स्मोक से बचे, खैर अब काफी कम हो चुकी हुई है, लेकिन टैबी बहुत खुश है कि आज हम आया, टैबी को कॉलर भी डाल गया ना, हां टैबी भाई टैबी तो ठीक है, अब इसका कोई सही नाम रखे, क्योंकि टैबी तो एक यार मैं देखने वाले को कहूंगा इसका यार कोई नाम सजेस्ट करो जो नाम बहुत ही यूनिक हो, कोई यूनिक सा नाम, यूनिक नेम होगा उतना जो है, जो नेम अभी तक ना रखा गया हो, क्योंकि इट्स अ यूनिक पीस, ये एक यूनिक चीज है, चीज तो भाई क्या रॉकी नाम रखा हुआ है पहले किसी का, रॉकी हमारे कुत्ते का नाम था, रॉकी हमारे आपके कुत्ते का नाम है रुस्तम, ये इंग्लिश पीस है, इधर आ मेरा बच्चा, मेरे बात मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, चाचा आ जा, हाँ क्या बात है, क्या बात है, अच्छा एक चक्की काट दे इसको, इसको एक चक्की काट, इसने मेरे हाल से ना ड्राइंग रूम में जाना है, छोड़ना और माँ भी इसे याद कर रही है लाजमी, लारा लारा कितने प्यारे लगते हैं दोनों एक साथ, ये जो है ना रात अंदर ही गुजार के आता है ये, अच्छा। इधर से अगले केज में नहीं जाएगा, हाँ। वो देखो दोनों एक दूसरे को स्मेल दे रहे हैं, यार उमर कितना प्यारा नजारा है यार, बहुत प्यारा है उमर, इसको भाई वो तो लग रहा आगे जा रहा है, नहीं नहीं पीछे पीछे ही कर रहा है, जिस तरह माँ जा रही है वैसे ही, हाँ यार उमर इसका ना कॉलर और कोई प्यारा सा लेके आया यार, हाँ भाई ये कॉलर अच्छा नहीं लगा, इसको ना ऑर्डर कर उधर किसी बाहर की साइड से ऑर्डर कर, चलें ठीक है बाहर से ऐसा करते हैं मंगवाते हैं प्यारे से कॉलर, इसके लिए कोई प्यारा सा कॉलर मंगवाओ लेदर का, भाई बड़ों को क्यों नहीं हम कॉलर लगाते, क्या वो फाड़ फूड देते हैं,
यार बड़े आदत नहीं है ना इसको, देखो इस एज में हमने कॉलर क्यों डाला है, ताकि वैसे पसंद नहीं था, इसको आदत हो जाए कि गले में कोई चेन रखनी है। हाँ, लेकिन अब इसको थोड़ा स्लो करके ना इसको चेन भी करेंगे। अच्छा, उसका बिहेवियर वैसे ठीक है कॉलर के साथ? हाँ, ये देखो देखो ना, वो माँ की तरह ह्यूमन को भी पसंद करता है। हाँ, और अपनी माँ को भी। हाँ, तो इसका लगाव दोनों के साथ होना चाहिए। दोनों के साथ हो, सही कह रहे हैं। हम देखें ना किस तरह आगे पीछे पीछे जा रहा है। बस वो उससे मिलना चाह रहा है लेकिन अभी टाइम नहीं है। हाँ, इसको कीमा खिला के जो है ना अंदर कर देंगे। ठीक, कट, चले आए फिर चलते हैं। कट, फैजी कहाँ घूम जाता है यार? यार थोड़ी देर बाद हम इसको यार कुछ हमें कुछ 30 सेकंड दे दिया करो यार। वो बंदे कुछ आए हैं, उनसे मैं जरा काम की जो डिस्कस कर रहा हूं। जी हमने बताया कि तो फैजी हम फ्री है ये। अच्छा फैजी ने बुलाया, अच्छा ये फैजी ने बुलाया हुआ था। हाँ, ओके। अच्छा मैं सोच रहा हूँ किसने बुलाया है। भाई फैजी भाई ने बुलाया, क्योंकि मेरे मुझे तो कल का पता ही नहीं आपका शेड्यूल क्या था, कल आपने क्या किया। ये पहले आ जाए थे लेकिन मुझे बुखार चढ़ा हुआ इस वजह से आए नहीं है। तूने मुझसे डिस्कशन भी नहीं की इस बारे में। फैसल की थी, आप भूल गए हैं। लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि मैं लेके या उनको कॉल कर दिए। आप एक घंटा दो घंटे ना आते ना तो आपने देखना था ये काम शुरू हो गया होना था, कैमरे लगने शुरू हो जाने तो फिर आपको पता चलना था। देखे ना आप टाइम पे आ गए हैं। भाई ने कहा कि हमारे कस्टमर्स को 10% डिस्काउंट देंगे ये, ठीक है, हमारी वीडियो दिखाएंगे जो उनको। कस्टमर को 10% और हमें 50% तो होगा ना। हमें तो वो कह रहे हैं आपका, तो मैंने ज्यादा कर रहा है, आपका लिंक है। अच्छा ये डायरेक्ट 10% डिस्काउंट पता है किस चीज़ का दे रहा है, लगाने का। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिस्टर टॉर्टा स्टिल मिसिंग है, हालांकि मैंने उन्हें अभी 30 मिनट्स पहले इधर देखा, किसी दरख्त के नीचे होंगे। कल उसको सर्च करके उसको बताएंगे कि वो मिस्टर टॉर्टा इस किधर गए हैं और उनको ढूंढेंगे। आप भी इंजॉय करें व्लॉग को जैसे मैं इस टाइम नहर के पानी को इंजॉय कर रहा हूँ। नेचर को इंजॉय करें और लव वाइल्ड लाइफ, सेफ वाइल्ड लाइफ, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।